नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका फोर व्हीलर का रियर वाइपर जो है वो फ्री हो जाए या किसी कारण से डैमेज होता है, वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो उसको घर बैठे हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गामड़ा वॉइस के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और पाइए हमारे वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। पार्किंग का इशू होने की वजह से मैं जो है मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी करता हूँ और शायद किसी बच्चे ने रियर वाइपर को खींच लिया, जिस वजह से ये फ्री हो गया है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। जैसे हम रियर वाइपर को ऑन करते हैं ये थोड़ा ऊपर की ओर जाके और वापस नीचे घूम रहा है, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो पूरी चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज होने का मेन रीज़न जो है वो ये रियर वाइपर जिस बोल्ट पे टाइट होता है, जिस बोल्ट से, वो शायद फ्री हो गया है, इस वजह से रियर वाइपर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हुंडई का जो रियर वाइपर का डिज़ाइन है वो इतना वेल मेंटेन है कि कहीं से भी आपको किसी एंगल से यहाँ पे बोल्ट बाहर से नहीं दिखता है। तो चलिए जल्दी से बताता हूँ आपको बोल्ट की प्लेसमेंट कहाँ दी गई है। यहाँ पे नोब है रियर वाइपर की, उसके ऊपर जहाँ से वाइपर अटैच हो रखा है वहाँ पर एक कैप है। इस कैप को हटाते ही हमें बोल्ट दिख जाएगा। मैं आपको एक क्लोज़र लुक दे देता हूँ किस तरह से ये बोल्ट दिखता है। तो ये इसकी प्लेसमेंट है बोल्ट की, और क्योंकि हमारे पास प्रॉपर किट नहीं है इसको टाइट करने का, तो हम प्लायर की हेल्प से इसको टाइट करेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रखा है, बहुत ही प्रेशर से इसको खींचा गया है, जिस वजह से ये लूज़ हो गया इतना सा। तो मेरा एक सजेशन रहेगा दोस्तों, अगर आप प्लायर से इसे टाइट कर रहे हो तो इसको ज़्यादा लोड दे के टाइट मत करिएगा, क्योंकि इसके जो ग्रिपिंग है बोल्ट की वो ख़राब हो सकती है। अगर आपके पास प्रॉपर किट है तो कोई इशू नहीं है, अगर आप प्लायर से कर रहे हो तो प्लीज़ अवेयर अबाउट दिस। अभी भी थोड़ा लूज लग रहा है, इसको और टाइट कर देते हैं। तो क्योंकि प्रॉपर मेरे पास किट नहीं है तो ये अच्छे से टाइट नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ इसे टाइट करने की। ठीक है, डन है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये कैप को वापस क्लोज करते हैं और चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। वाइपर का डेमो देने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऐसा राइट कलर का बटन आपके वीडियो के नीचे दिख रहा होगा उसे दबा के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए एक बार मैं दिखाता हूँ किस तरह से वाइपर अब वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ गाड़ी में बैठ चुका हूँ और करते हैं वाइपर को स्टार्ट, रियर वाइपर को। तो बिल्कुल प्रॉपरली पहले जैसे वर्क करने लग गया है, आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से वर्क कर रहा है। बाहर से भी एक लुक दे देता हूँ मैं आपको। पहले आपने देखा था किस तरह से ये सिर्फ आधा घूम के वापस नीचे जा रहा था, लेकिन अभी प्रॉपरली घूम रहा है ये। यहाँ पे दोस्तों बता दो, जिन लोगों ने नई नई गाड़ी ली है और अगर उनको पता नहीं है कैसे रियर वाइपर जो ऑपरेट होता है, तो आप देख सकते हो मेरे पास i20 है, इसमें यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी रियर वाइपर का, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं लो हाई का, तो इससे यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, सीधा रियर वाइपर ऑपरेट होगा। उसके अलावा आप चाहो तो इसको पुश करके भी रियर वाइपर यूज़ कर सकते हो, और मेन वाइपर के लिए तो सबको पता ही होगा आप इस तरह से इसको अगर पुल करते हो अपनी ओर तो यहाँ पे मेन वाइपर जो है वो वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा किस तरह से इजीली घर बैठे हमने रियर वाइपर का जो है वो फिक्स कर दिया है और अपना समय और पैसा दोनों बचाया है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।